सो फ्रेंड्स, मैं अभी हूँ लुधियाना में और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, लेकिन निकलने से पहले जो मेरे को रेनकोट लेना था वो लेने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है क्योंकि इतना ट्रैफिक है, ऊपर से सूरज सर पे है। मैं बिल्कुल भीग चुका हूँ इस समय। तो ये पड़ा घंटा घर का पहला बोर्ड जो मैंने अभी तक देखा है। तो दोस्तों, दिन के बज चुके हैं 2:45, मतलब 1:45, और फिलहाल तो अभी मैं लुधियाना में ही हूँ क्योंकि रेनकोट लेना बड़ा टफ हो गया। शॉप ढूंढना इतनी बड़ी मार्केट में, हालांकि मिल गया, रेनकोट ले लिया मैंने, ऊपर से बांधने के लिए तिरपाल ले ली। नाउ आई एम ऑल सेट। अब बस एक ही चीज़, मेरे को एक दो चीज़ें और लेनी है, वो वहीं से देखेंगे, लाइक पेट्रोल भरने के लिए जो कैंस आती हैं, वो वाली कैंस। और फिलहाल मैं निकल रहा हूँ यहाँ से सीधे पठानकोट होते हुए श्रीनगर। अब ये नहीं पता श्रीनगर पहुँच पाऊँगा नहीं पहुँच पाऊँगा, बेसिकली उस रूट पे चलते हैं, जहाँ तक भी पहुँच पाएंगे वहाँ तक पहुँचेंगे, नाइट से वहीं करेंगे। और बाकी तो बने रहिए आप मेरे साथ आज के इस ब्लॉग में। दिन है आज 16th of June 2022। दोस्तों, पेट्रोल खत्म हो रहा है तो राइड स्टार्ट करने से पेट्रोल डलवा लेता हूँ पहले मैं, ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो। सो फ्रेंड्स, इसी टोल के साथ हमारी टोलों की संख्या डबल डिजिट में पहुंच गई है। जी हाँ, 9 टोल हमने कल रात तक पार किए थे, ये 10वां टोल है, टोटल 10वां और आज का पहला। फ्रेंड्स, दिस इज द कैंपस ऑफ LPU और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। नाम तो आप लोग सब लोगों ने सुना ही होगा। ये कैंपस बाहर से मैंने दिखा दिया क्योंकि ऐसा डाइवर्जन पे है कि मैं ज़्यादा रुक नहीं पाया। कोई नहीं, फिलहाल जलंधर पहुँचने वाले हैं हम। शायद ये है 11वां टोल। ये देखिए NHAI का टोल, NH 44 है ये, जिसपे हम दिल्ली के पास से ही ट्रेवल कर रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ से पठानकोट रह गया 36 किलोमीटर, जम्मू रह गया 146, श्रीनगर 445 नहीं हो पाएगा क्योंकि तो पठानकोट ही नहीं पहुंचा हूं और टाइम हो गया है, 5 बज गए हैं। क्योंकि पहाड़ का रास्ता है इसलिए वो दिक्कत करेगा। खैर कोई नहीं, पटनीटॉप का मेरा थोड़ा सा प्लान है कि भाई अगर चपन श्रीनगर नहीं पहुंच पाते हैं तो पटनीटॉप में रुक लेंगे, देखते हैं बाकी। फ्रेंड्स, ये था बॉर्डर पठानकोट और आई थिंक हाँ पठानकोट स्टार्टिंग हो रही है ना, इसीलिए। फ्रेंड्स, पठानकोट रह गया है 5 किलोमीटर। मौसम ठीक है, थोड़ा सा उतनी गर्मी लग नहीं रही अभी, ये भी शायद इसलिए भी कि राइड कन लगातार हो ही रही है, ट्रैफिक इतना ज़्यादा नहीं मिला, रोड भी बहुत अच्छी बनी हुई है, इस रोड पर बाइक चलाने में मज़ा आ गया। तो फ्रेंड्स, दीज आर द फर्स्ट ग्लिम्सेस ऑफ माउंटेन्स, और छोटे छोटे पहाड़ हैं, मतलब यहाँ से पहाड़ों की स्टार्ट हो जानी चाहिए जैसा देखने में भी लग रहा है। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है ना, मतलब साइड से हल्के से पहाड़ हैं, बीच से हाईवे जा रहा है और हाईवे बहुत ही प्यारा हाईवे बना हुआ है, मतलब मज़ा आ गया उस रोड पर आज बाइक चलाने में। अगर लुधियाना का वो पार्ट अगर हम छोड़ दें, यहाँ पे ट्रैफिक मिला था, उसके अलावा अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है, पूरा रोड फर्स्ट क्लास बना हुआ है, बहुत ही प्यारा रोड है राइडिंग के हिसाब से। तो फिर हम पहुंच चुके हैं इस समय पठानकोट, और पठानकोट में अभी मैं जिस जगह हूँ वहाँ से दिखा रहा है ये 173 किलोमीटर दूर है पटनी टॉप। पहले हम पठानकोट से जम्मू जाएंगे, जम्मू से फिर आगे बढ़ेंगे पटनी टॉप के लिए। तो
पहली प्रायोरिटी तो यहाँ से जम्मू पहुँचना है। जम्मू है यहाँ से 103 किलोमीटर, 103 किलोमीटर का मतलब है लगभग 1 से 1.5 घंटा, और अभी टाइम हो रहा है 5:24, मतलब 6:30-7 बजे तक जम्मू पहुँच जाएंगे। वहाँ से देखते हैं फिर पटनीटॉप जाना है नहीं जाना है, क्या करना है, चलिए चलते हैं। तो यहाँ पहुँचे हम एक डाइवर्जन पे, ये वाली जो लेफ्ट वाली रोड है ये गई अमृतसर, हमने जाना है जम्मू तो हमने ली है राइट वाली रोड। गूगल नेविगेशन करके आ पाएंगे तो इसको सेकंड एग्जिट बोल रहे हैं कि दिस इज अ सेकंड एग्जिट। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हुआ है हमारा आज का दूसरा टैंक फुल। और दोस्तों ये तो नहीं पता कौन सी नदी है, लेकिन जो भी है बड़ी जबरदस्त नदी है, आई थिंक शायद झेलम, पक्का नहीं कह सकता, बट हाँ पुल का कार और रोड का ये देख के हम कह सकते हैं कि भाई पानी बहुत साफ है, इधर बैराज भी बना हुआ है और पहाड़ तो चल ही रहे हैं, छोटे छोटे पहाड़ भी स्टार्ट हुए हैं जो कि धीरे धीरे चलते हुए और बड़े बड़े पहाड़ों में तब्दील होते चले जाएंगे। कठुआ पुलिस जाना किधर है, उधर से घूम के रास्ता आया था कि शायद ट्रक्स वगैरह के रहते हैं। सो फ्रेंड्स ये पड़ा है हमारा शायद 13वां टोल प्लाजा। तो फ्रेंड्स यहाँ नेटवर्क जा चुके हैं, एज यू कैन सी नो इंटरनेट कनेक्शन। मैं आपको दिखाता हूँ आगे गाड़ी रोक के, आई होप शायद आप देख पाएंगे कि नॉन इंटरनेट कनेक्शन, तो फ़ोन में इंटरनेट कनेक्शन नहीं आ रहा है। इट मीन्स कि अप टू दिस पॉइंट ये जो चौकी बैरिकेडिंग थी ना, जब हम लोग बैरिकेडिंग से आगे की तरफ बढ़े थे, उसके बाद से यहाँ पे कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। इट मीन्स कि अब पोस्ट पेड वाला चालू करना पड़ेगा। हालांकि स्टेट रोड स्ट्रेट जाना है हमें, तो इस पर तो अभी चल सकते हैं फिलहाल, आगे देखते हैं बाकी। फ्रेंड्स विद द एंट्रेंस इन कठुआ, और कठुआ आई होप सबने ही सुना होगा, देयर वाज अ वेरी इन फेमस इंसिडेंट हैपेंड अ बिट लॉन्ग एगो। लेकिन कठुए में जब आप एंटर करेंगे तो यहीं से आपका जम्मू एंड कश्मीर लगना स्टार्ट हो जाता है, जैसा मैंने आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले कि नेटवर्क ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था, नो इंटरनेट कनेक्शन, नो कनेक्टिविटी एट ऑल फॉर द प्रीपेड कनेक्शंस। आई हैव वन पोस्टपेड सिम, लेकिन तो दूसरे वाले फोन में पड़ा हुआ है। आगे कुछ नहीं, इसका उसका वाइफ उसका हॉटस्पॉट इसके वाईफाई से कनेक्ट करके हम चला सकते हैं। स्पीड का देखना पड़ेगा क्या स्पीड दे रहा है, बट फिलहाल तो भी जरूरत नहीं है क्योंकि तो लगभग 30 किलोमीटर तक तो इसी हाईवे पे चलना है इसी लिए। बट हाँ फिलहाल ये कि मौसम ठीक है, गर्म हो रहा है अभी भी, बट बाइक राइड करने में मजा आ रहा है क्योंकि जैसे जैसे नज़ारे अच्छे होते जाते हैं वैसे वैसे राइड करने में और ज़्यादा मज़ा आने लगता है। और अगर आप पहाड़ों को देख पाएंगे दोस्तों तो पहाड़ कम चट्टाने ज़्यादा लग रही हैं। ये देखिए नॉर्मली पहाड़ होते चट्टान ही हैं, लेकिन ऐसे नहीं दिखते, इट्स लाइक कि वेजिटेशन बिल्कुल ही गायब है। और मुझे पता है कि लद्दाख के पहाड़ तो इसके भी ख़तरनाक हैं, लेकिन मतलब मैं आया हूँ इस साइड, मैंने कटरा तक ट्रैवल किया है, जम्मू से कटरा जम्मू तक मैं बस बाय ट्रेन ही आया हूँ। ये पहली बार है मेरे लाइफ में कि जब मैंने पूरा बदायूं से लेके अभी तक जम्मू देन आफ्टरवर्ड सब बाइक से ही करने वाला हूँ। ये देखिए लग कितना अच्छा रहा है, ऐसे है स्लोप टाइप का, अच्छा लग रहा है देखने में वैसे। देखिए बहुत ज़्यादा सनलाइट हमारे पास रह नहीं गई है, इट्स 6:41 ऑलमोस्ट, अगर बैठी तो हाफ एन आवर या 40 मिनट्स या 45 मिनट्स की सनलाइट और है हमारे पास, उसके बाद से फिर वी आर ऑन
द लाइट्स ऑफ द बाइक। वो देखिए उस साइड से भी नीचे से आ रहे हैं हम लोग, और ये साइड में पहाड़ था, हम थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे लेकिन बाइक चलाने में पहाड़ पे ही मजा आता है, प्लेन में पता नहीं मुझे उतना कंफर्ट महसूस नहीं होता है एज कम्पेयर टू द माउंटेन्स। शायद इसलिए भी कि पहाड़ पे बहुत लंबा अरसा हो गया चलाते हुए, 2-3 साल से मैं पहाड़ में ही चला रहा हूँ, प्लेन्स में तो मैंने बहुत ही कम चलाई है। देखिए ये रहा हमारा सूरज जो कि अस्त होने के कगार पे है बिल्कुल। तो फ्रेंड्स आप वो धुआं देख पाएंगे, ये देखिए आग लगी है जंगल में, और अभी हमने देखा भी था रास्ते में फायर ब्रिगेड की गाड़ी आते हुए। और फिलहाल अभी हमें नेविगेशन के अकॉर्डिंग 10 किलोमीटर जाना है, उसके बाद हमें कोई स्टेट हाईवे मिल जाएगा। और एक ख़ास बात आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जैसे कि आप आईफोन देख पाएंगे इसमें नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कठुआ से नेटवर्क बिल्कुल गायब हो चुके हैं। उसके बाद भी ये प्रॉपर नेविगेशन करके दे रहा है, मतलब एग्जैक्ट लोकेशन आपकी ट्रेस नहीं कर सकता, लेकिन जो मैंने पाथ इसमें नेविगेट करता हुआ आ रहा था यहाँ से पटनी टॉप का, वो पूरा का पूरा इसको वो फॉलो करा रहा है। दैट्स अ कूल फीचर इन दिस आईफोन, ये अच्छा लगा जान के। ये देखिए आग इधर भी लगी हुई है, ये लगी कैसे, लगी है लगाई है वी डोंट नो, लेकिन ये है कि पहाड़ों की वादियां शुरू हो गई हैं और हम इन पहाड़ों से अब आराम से 13-14 दिन बाद उतरेंगे। ये देखिए अरे यार सूखी घास है ये तो, और ही जल्दी जलती है, जैसे हमारे उत्तराखंड में उधर चीड़ के पेड़ होते हैं, इधर ये खुद सूखी घास है। वो देखिए इतनी भयानक तरीके से जल रही है। तो पटनी टॉप यहाँ से रह गया है मात्र 81 किलोमीटर, लेकिन मात्र 81 नहीं है, बिकॉज अगर वो प्लेन का 81 होता तो वो 1 घंटे का होता, ये पहाड़ का 81 है, दैट मीन्स मिनिमम 2 से 2.5 घंटे, मिनिमम 2 घंटे तो कहीं नहीं गए हैं, क्योंकि जिस हिसाब से टर्न्स मिल रहे हैं मुझे रोडों पे उस हिसाब से ये क्लियरली बात रखी जा सकती है कि भाई टाइम लगेगा। मौसम ख़राब होता हुआ देखिए, सामने शायद आप बादल देख पाएंगे। पॉइंट अगर आप यहां से राइट लेंगे तो आप वापस वही पीछे पठानकोट तक पहुंच जाएंगे, और लेफ्ट में ले आइए उधमपुर और श्रीनगर को आपका रोड निकलता है, स्टेट हाईवे है। उम्मीद करता हूं थोड़ी कंडीशन अच्छी ही होंगी। देखिए फ्रेंड्स ट्रेन निकल रही है पुल के ऊपर से, क्या जबरदस्त लग रहा है, और व्यूज तो और खुल रहे हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे एल्टीट्यूड गेन होगा वैसे वैसे व्यूज और अच्छे होते जाएंगे। अरे नो जम्मू कश्मीर व्यूज के लिए जाना था, ये देखिए क्या प्यारा नज़ारा है, काश स्टार्टिंग से ट्रेन मिली होती तो पूरी वीडियो शूट करता इसकी। तावी ब्रिज, अच्छा जम्मू तावी, ओके सो दिस इज द तावी ब्रिज। ये देखिए दोस्तों वो लुकिंग नाइस ना, सुपर। ब्रिज हिला है, एक ट्रक निकला मेरे बगल से और जैसे वो पास हुआ तो ब्रिज हिल रहा था, सो द ट्रेन इज कौन, तो दिस इज द तावी रिवर, ये रहा रेलवे वाला ब्रिज,
बादल बहुत हो रहे हैं, मौसम बहुत खराब हो रहा है। बरसे ना बस, एक से दो घंटे ना बरसे भगवान, मैं पटनीटॉप पहुंच जाऊंगा। मौसम की हालत देख ही सकते हैं आप दोस्तों, भयानक बादल है, भयानक वाला। ये देखिए अब ये सर पे चढ़ना शुरू हो गया है धीरे धीरे। ये देखिए सामने पूरा बादल लगा हुआ है। उधमपुर रह गया है 19 किलोमीटर। क्या शानदार नज़ारा, वो बादल लगे हुए, मज़ा आ गया देख के भाई। कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आप बने रहें मेरे साथ। और अभी तो ट्रिप स्टार्ट हुई है, अभी तो और अच्छे अच्छे नज़ारे आने बाकी हैं। फ्रेंड्स आप सड़कों को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी गिरा है, इधर पानी गिरा है। अरे बहुत ही छोटी सी टनल, ये देखिए पानी गिरा है इधर। तो दोस्तों उधमपुर रह गया है 15 किलोमीटर, लेकिन अब डिस्टेंस से ज़्यादा अच्छे नज़ारे लग रहे हैं इसलिए देखते हुए जा रहा हूँ। ट्रैवलिंग इज नॉट अबाउट द रीचिंग योर डेस्टिनेशन, इट्स ऑल अबाउट हाउ डू यू एंड्योर योर पाथ। सफ़र ये चीज़ नहीं है कि आपने उठे और जर्नी में जहाँ तक आपने सोचा था वहाँ पहुँच गए, ये इस चीज़ के बारे में है कि आप पूरे रास्ते को कैसे एंजॉय करते हैं। दैट्स द सिंपल फिलॉसफी ऑफ लाइफ बेसिकली, कि जिंदगी स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ, पैदा हुए, फिर मर गए, बीच की जो बातें हैं वो याद रह जाती हैं। तो वैसे ही किसी भी ट्रिप की हमारी जो बीच वाली मेमोरीज होती हैं, दैट इज़ हाउ वी ट्रेवल द पाथ, हम रास्ते को कैसे ट्रेवल करते हैं, कितनी चीज़ों को हम देखते हैं, इग्नोर करते हैं, यही सारी चीज़ें हैं। तो मैं इस चीज़ को कोई भी इग्नोर नहीं करना चाहता यहाँ पे, आई वॉन्ट टू लिव द मोमेंट एट इट्स फुलेस्ट। तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा लेट होगा चलेगा, एटलीस्ट मैक्सिमम रूट हमने कवर कर लिया गया है। और पटनीटॉप में से 54 किलोमीटर है, बारिश का भी थोड़ा अंदेशा हो रहा है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, बहुत हल्की। इतना टॉयलेट कर सकते हैं, ये देखिए जबरदस्त बिजली कड़की, ओहो नज़ारा देखिए दोस्तों, बादल बादल हर तरफ बादल, अरे बरसने वाले बादल हैं, बूंदाबांदी शुरू भी हो गई है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। और मुझे अब लगता है कि सेफेस्ट डिसीजन ये होगा कि कोई भी दुकान देख के वहाँ रुकें, थोड़ा सा चाय वगैरह ले लें, हल्का सा स्नैक्स ले लें, और जो रेल लाइनर ये देखिए बिजली फिर से कड़की, उसको पहन लें और बैग को कवर करें, अदरवाइज सब गुड़गोबर हो जाएगा। देखिए बच्चे वॉलीबॉल खेलते हुए, वो ये चाय हो जाएगी, चाय एक चाय कर दीजिएगा। खाने में क्या होगा? मैगी कर दीजिए, वेजिटेबल मैगी आए हैं तो मैगी तो खा ही लें। चलिए दोस्तों लगेज को बांधते हैं यार पहले। भैया रूम किधर मिलेगा? वो मिल जाएगा सर, नॉर्मल में चाहिए भैया, बढ़िया में चाहिए, अच्छे में चाहिए यार, अच्छा बढ़िया रूम चाहिए, मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं उस समय हूँ पटनी टॉप में, मैंने रूम चेक इन कर लिया है और रूम की स्थिति कुछ इस तरीके से है। ये हमारा मेन एंट्री गेट है, टीवी है वो चल नहीं रहा बिकॉज सेट टॉप बॉक्स नहीं है उसमें, ये बेड है, कुशन कोई बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल नहीं है। मैंने
पार्ट वन जो था उसको एडिट कर दिया था सुबह में, लेकिन मैं सोच रहा था वाईफाई मिल जाएगा तो मैं उसको अपलोड कर दूंगा, लेकिन वाईफाई मिला लेकिन वो चल ही नहीं रहा है। जब से आया हूँ तब से वाईफाई थोड़ी बहुत देर चला, उसके बाद चल ही नहीं रहा है। तो बैठे हैं इंतज़ार में कि वाईफाई चलेगा तो पार्ट वन में अपलोड कर दूंगा। और उसके अलावा भूख लग रही थी थोड़ी सी, तो मैंने जस्ट सिंपल दाल चावल मंगाए हैं, क्योंकि दिन भर में बहुत ज़्यादा कुछ खाया तो है नहीं, लेकिन भूख भी लग रही है तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ हल्का ही खा लिया जाए, तो मैंने इसलिए दाल चावल मंगाया। तो चलिए दाल चावल इंजॉय करते हैं। सो फ्रेंड्स, दैट वाज ऑल फ्रॉम टुडेज व्लॉग पार्ट टू। आई हैव ट्रेवल्ड फ्रॉम लुधियाना टू पटनी टॉप। पटनी टॉप में मैं अभी हूँ अभी, और रात के बज गए हैं 11:30, नींद आ रही है, सोते हैं अब। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आप जुड़े रहें मेरे साथ, क्योंकि बहुत ही जल्दी पूरी लद्दाख की सीरीज़ आने वाली है। कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी मैं सीरीज़ को निकाल दूँ, ऐसे ऑल नो कि बाद में तो टाइम नहीं मिल पाता, बट इस बार तो एडिटिंग भी कर ली, उसके बावजूद भी वीडियो अपलोड नहीं हो पाई फॉर द बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द नेटवर्क। तो अगर नेटवर्क की कनेक्टिविटी सही मिलती रही तो आई होप पार्ट वन आपका आज या कल में आ जाएगा, अदरवाइज जैसे ही नेटवर्क की उसमें आऊँगा मैं तुरंत अपलोड इसको करता हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतने रखते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड नाइट।